हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन सेठी और आज मैं चिकन टिक्का की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस बना हुआ है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए चिकन टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम्स चिकन। मैंने यहाँ पे बोन्स वाला लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट, मस्टर्ड ऑयल, कसूरी मेथी, तंदूरी मसाला, गरम मसाला एंड सॉल्ट। अब चलिए चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन में डालने वाली हूँ नमक। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है, एक चम्मच चाट मसाला, दो चम्मच नींबू का जूस, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो चम्मच यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी मिक्स कर दीजिए। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको दही और मसाले डाल के मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच दही, अब 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच तंदूरी मसाला पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। अब यहाँ पर मैं आधा चम्मच नमक और डाल रही हूँ ताकि वो जब मैं दही डालूंगी तो उसके साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, चिकन को मैरिनेट हो गए 1 घंटा हो गया है। अब हम चिकन टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ओवन का एक स्टिक लिया है, इसमें मैंने चिकन के पीसेस को इस तरीके से डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारे चिकन को स्टिक्स के अंदर डाल दिया है। अब हम इनको ओवन में रखते हैं। इनको मैंने ओटीजी में रख दिया है। अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए 250 डिग्री टेम्परेचर पर रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चिकन बनकर तैयार है। अब चलिए इसको सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन टिक्का बनके तैयार है। चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। अगर आपको लगे कि चिकन नहीं पका है तो आप उसको 10 मिनट के लिए और रख सकते हैं। अब चलिए हम चिकन टिक्का सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन टिक्का बनके तैयार है। आप भी प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।